ज़्यादा तला भुना चटपटा मसालेदार खाना खाने के बाद गले और पेट में जलन की शिकायत होती है, लेकिन कई लोगों को ये शिकायत अक्सर हो जाती है, जिसे एसिडिटी कहते हैं। जी हाँ, एसिडिटी होने पर पेट में हल्का दर्द, जलन और गले में जलन जैसी परेशानियाँ होती है। खाने को पचाने के लिए हमारे पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ एसिड का स्राव करती हैं। जब यह स्राव ज़्यादा हो जाता है तब हमें एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसे ठीक करने के लिए नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। जी हाँ, नींबू का क्षारीय गुण हमारे पेट में अधिक स्रावित एसिड को उदासीन बना देता है और उपच की समस्या को जल्द ही दूर करता है, जिससे पेट और गले में जलन कम होती है। जिसके लिए आप एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं। दूसरा है तुलसी। जी हाँ, तुलसी की पत्तियों में हमें एसिडिटी से होने वाले जलन से छुटकारा दिलाती है और पेट को आराम पहुंचाती है। जलन से तुरंत राहत के लिए आप तुलसी के 4 से 5 पत्ते चबाकर खाएं। आप चाहें तो थोड़े से पानी में तुलसी के पत्ते उबाल लें और फिर उस पानी को हल्का गुनगुना पिएं। तीसरा है सौंफ। अक्सर लोग खाने के बाद सौंफ का सेवन करना पसंद करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि सौंफ पाचन में मददगार होता है। पेट और गले की जलन में भी यह लाभ पहुंचाता है। जी हाँ, यह पेट में ठंडक पैदा करता है और जलन से छुटकारा दिलाता है। अब चौथा है गुड़। जी हाँ, यह एक बेहद लाभकारी घरेलू उपचार माना जाता है। यह पाचन की प्रक्रिया को तेज़ करता है और एसिडिटी से हमें बचाता है। अगर आप हैवी मील लेने वाले हैं तो इसके पहले थोड़ा गुड़ खाएं। एसिडिटी से गले और पेट में जलन होने पर भी आप गुड़ का एक टुकड़ा खाएं, इससे जलन खत्म हो जाएगी। जी हाँ, पाँचवा है एलोवेरा जूस। एलोवेरा हमारी सेहत के लिए अनगिनत फ़ायदेमंद समेटे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण यह हमें एसिडिटी से उत्पन्न जलन में भी राहत पहुंचाता है। जूस बनाने के लिए एलोवेरा के पल्प को पत्तियों से अलग कर लें, फिर उसे पानी में मिलाकर उसका जूस तैयार करें। दिन में 2 से 3 बार इस जूस का सेवन करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। जी हाँ, ये घरेलू उपाय अगर आप अपनाएंगे तो आपको जल्द ही एसिडिटी से राहत मिल सकती है। तो और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ क्यूरेन या आयुर्वेदा से सुरभि की रिपोर्ट।